आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बिहार और झारखंड की बहुत ही स्पेशल रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि खाने में बहुत ही डिलीशियस है। इसका लुक जो है वो देखने में दोसे जैसा है, लेकिन खाने में टेस्ट जो है वो काफ़ी डिफरेंस रहेगा। आप एक बार खाएंगे तो आपको पता चलेगा। इसको छिलका के नाम से जाना जाता है। इसका बैटर भी बिल्कुल धुस्का के जैसा ही बना के तैयार किया जाता है। सिर्फ कुछ इंग्रेडिएंट जो है वो डिफरेंट रहते हैं और इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो धुस्का की कंसिस्टेंसी से थोड़ी सी डिफरेंट रहती है। और इसके साथ मैंने बहुत ही डिलीशियस सी चने की सब्जी बनाई है, बहुत ही डिफरेंट तरीके से बनाई है। तो चलिए देख लेते हैं इन दोनों रेसिपीज़ को हमें किस तरह से बनाना है और इसके लिए हमें किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। चने की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लगभग 250 ग्राम चना लिया था और उसको रात में भिंगा दिया था और सुबह उसको बॉईल कर लिया है। इसमें सिर्फ थोड़ा सा नमक ऐड किया है। अब इसको एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये चने को हम मैरिनेट करेंगे और बॉईल करने के बाद जो उसका पानी बचा है मैंने उसको छान के रख लिया है। इसको ग्रेवी में यूज़ करेंगे। तो मैरिनेशन के लिए मैंने जो चीज़ें ली हैं वो आप देख लीजिए। 2 चम्मच मैंने यहाँ पे फ्राइड अनियन लिया है। ये हमेशा मेरे फ्रिज में अवेलेबल रहता है। टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि आप फ्राइड अनियन और भुना हुआ बेसन जो है अपने फ्रिज में हमेशा रखें, बहुत ही काम आता है। 1 चम्मच मैंने यहाँ पे शुद्ध घी लिया है, 1 चम्मच भुना हुआ बेसन है, 2 चम्मच दही है, 1/2 चम्मच कसूरी मेथी है, 1 चम्मच मैंने यहाँ पे सरसों का तेल लिया है, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है, 2 हरी मिर्चों को मैंने इस तरह से कट कर लिया है, 1 स्टार अनीस है, 1/2 चम्मच शाह जीरा है, 10 से 12 काली मिर्चें हैं, 1 दालचीनी का टुकड़ा है, 3 लौंग है, 2 बड़ी इलायची है। यहाँ पे 5 मैंने छोटी इलायची लिया है। मेरी इलायची थोड़ी सी छोटी थी इसलिए मैंने यहाँ पे 5 लिया। अगर आपके पास इलायची का साइज़ जो है वो बड़ा है तो आप 2 ही लीजिए। और इसको मैंने कूट लिया है, इससे इसका मुँह जो है वो खुल गया है, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। 2 तेज़पत्ते लिए हैं मैंने यहाँ पे। अब इन सारी चीज़ों को चने में ऐड करके और चने को मैरिनेट कर लेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे दही ऐड कर रही हूँ, उसके बाद ये भुना बेसन, प्याज, शुद्ध घी। आप इसको जरूर डालिएगा, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और अगर आपको शुद्ध घी का टेस्ट पसंद ना हो तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। सरसों का तेल, कसूरी मेथी, अदरक लहसुन का पेस्ट, तेज़पत्ते, दालचीनी, हरी मिर्च और इसके अलावा जो ये हमने खड़े मसाले लिए थे उनको भी ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंने सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे। वैसे तो चने को मैंने नमक के साथ बॉईल किया था लेकिन मसालों में भी हल्का सा नमक जो है वो मिक्स हो जाएगा इस तरह से। और अभी इसको ढक देंगे और 15 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे। और इस चने की सब्जी के साथ खाने के लिए मैं छिलका बनाने वाली हूँ, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ये 2.5 कप चावल लिया है। इस कप से, अगर आपके पास कप नहीं है तो आप कटोरी से मेज़रमेंट लीजिए और सेम कटोरी से सभी मेज़रमेंट को लीजिए। और 2.5 कप चावल के लिए मैंने यहाँ पे 1/2 कप उड़द की दाल ली है, 1/2 कप चने की दाल ली है और 1/4 कप जो है वो मूंग की दाल ली है। इन सभी चीज़ों को मैंने धो के रात में भिंगा दिया था, ओवरनाइट के लिए इसको सोक कर दिया था, लेकिन आप इसको 4 से 5 घंटे भी भिंगा के यूज़ में ले सकते हैं। इसको फर्मेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ आप भिंगा लीजिए 4 से 5 घंटे के लिए और फिर आप इसको यूज़ में ले सकते हैं। और अब इनको ग्राइंड कर लेना है और ग्राइंड करते समय जो भी चीज़ें इसमें लगने वाली है वो मैं साथ में आपको बताते चलूँगी। बैटर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे मिक्सी का पॉट लिया है। अब उसमें ये चावल और दाल दोनों को ऐड करके साथ में मिक्स करके पीस लेंगे। अलग अलग पीसने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये साथ में भी बहुत ही अच्छे से पीस के रेडी हो जाएंगे। इसको ग्राइंड करने से पहले इसमें कुछ मसाले ऐड करने हैं, वो देख लीजिए। यहाँ पे ये मैंने 1 चम्मच जीरा लिया है, 1/2 चम्मच काली मिर्च लिया है, 2 हरी मिर्चें ली हैं, इसको तोड़ के ऐड कर देंगे। और यहाँ पे 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा है। और अभी इसको ग्राइंड कर लेना है, डोसे की कंसिस्टेंसी जैसा बैटर इसको तैयार कर लेना है। अरे तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके और बैटर को तैयार कर लेंगे। यहाँ पे मैंने बैटर को ग्राइंड करके और रेडी कर लिया है, इसको मिक्स कर लेंगे। अभी आप इसकी कंसिस्टेंसी देख रहे होंगे, इसी कंसिस्टेंसी का आपको ग्राइंड करके रेडी करना है। और जब मैं छिलका बनाऊंगी उस समय मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी को अगर और चेंज करना होगा तो उस समय बता दूंगी कि और थोड़ा सा आप इसको चेंज कर लीजिए। बैटर रेडी करने के बाद अब इसमें डालेंगे हल्दी, हींग, हींग का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, और इसमें 1/2 चम्मच जीरा ऐड कर देंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर देंगे। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अभी इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे और इसको साइड में रख देंगे 1/2 घंटे के लिए। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो 15 से 20 मिनट भी साइड में रेस्ट करने दीजिए, उसके बाद आप छिलके को बना सकते हैं। और जब तक बैटर रेस्ट करेगा तब तक अपने चनों को चेक कर लेते हैं जिसको हमने मैरिनेट करके रखा है। ये देखिए चने जो है वो अच्छे से मैरिनेट हो गए हैं।
इस तरह से आप चने की सब्जी एक बार जरूर बनाइएगा, बहुत ही शानदार बन के तैयार होता है। चलिए फिर ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। चने की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 बड़े चम्मच तेल ऐड किया है, और ये सरसों का तेल है। इसको अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल यहाँ पे अच्छे से गर्म हो गया है। अब इसमें 1 चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक ऐड कर देंगे। अदरक हमारे हल्के से गोल्डन हो गया है। अब इसमें ऐड करेंगे जीरा, 1/2 चम्मच मैंने यहाँ पे जीरा लिया है। जीरा भी हल्के से क्रैकल हो गए हैं। अब इसमें ये 2 मीडियम साइज के प्याज को मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है, ये ऐड कर देंगे। और इसमें बिल्कुल 1 पिंच नमक ऐड कर देंगे। और यहाँ पे प्याज को बिल्कुल गोल्डन फ्राई कर लेना है। आप जितने अच्छे से प्याज को फ्राई करेंगे सब्जी का टेस्ट जो है उतना ही बढ़ जाता है। और अभी इसमें ये 3 लाल मिर्ची ऐड कर देंगे। मैं पहले ऐड करना भूल गई थी, आप अदरक के बाद ही इसको ऐड कर लीजिए। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं प्याज जो है बहुत ही अच्छे से भुन गया है। अब इसमें 1/2 चम्मच क्रश किया हुआ लहसुन है वो ऐड कर देंगे। दोनों तरह की लाल मिर्चें हैं, 1/2 चम्मच तीखी वाली और 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च है वो ऐड कर देंगे। 1/4 चम्मच हल्दी है वो ऐड करेंगे। और यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, ये जो मैंने चने बॉईल किए थे वही पानी है। और मसालों को बिल्कुल अच्छे से भून लेना है जब तक इनका ऑयल जो है वो सेपरेट ना हो। और यहाँ पे हमारे जो बेसिक मसाले थे वो अच्छे से भुन गए हैं। अब इसमें ये 1 चम्मच किचन किंग मसाला मैं ऐड कर रही हूँ। इसकी जगह आप 1/2 चम्मच धनिया जीरा पाउडर और 1/2 चम्मच किचन किंग मसाला भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा मसाला जो है वो अच्छे से भुन गया है। और अब इसमें जो हमने चने मैरिनेट करके रखे थे वो ऐड कर देंगे। और अब इसको अच्छे से भून लेना है। कम से कम 4 से 5 मिनट मसालों के साथ चनों को भून लेंगे। चनों को भून के 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब इसमें 1/2 चम्मच मटन मसाला ऐड करेंगे। मटन मसाला जो है वो बिल्कुल वेज रहता है, उसमें नॉन वेज का कोई भी प्रपोर्शन नहीं रहता। और अगर आप मटन मसाला नहीं यूज़ करना चाहते तो उसकी जगह गरम मसाला ऐड कर लीजिए। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी ऐड किया है और 2 से 3 मिनट के लिए और इसको भून लूँगी। और जैसा कि वीडियो में देख रहे हैं चने जो हैं वो अच्छे से भुन गए हैं, ऑयल जो है उनमें से अच्छे से सेपरेट होने लगा है। अभी इसमें चने का जो उबला पानी था वो ऐड कर देंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं ग्रेवी जो है अभी बहुत गाढ़ी है, इतनी गाढ़ी ग्रेवी नहीं चाहिए, तो इसमें मैं गर्म पानी ऐड कर रही हूँ। इस स्टेज पे आप नमक को चेक कर लीजिए, मैंने चेक किया है नमक जो है वो थोड़ा सा कम है, तो मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक ऐड कर दे रही हूँ। और अब इसमें ढक्कन लगा देंगे। मैंने यहाँ पे ढक्कन लगा दिया है। अब 2 प्रेशर तक इसको कुक कर लेना है, क्योंकि चने जो है वो ऑलरेडी बॉयल है, तो सिर्फ 2 प्रेशर लेंगे जिससे सारे मसाले और चने जो है वो एक दूसरे के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। 2 प्रेशर आ गया है, गैस को ऑफ कर देंगे। कुकर हमारा ठंडा हो गया है और प्रेशर जो है वो ऑलमोस्ट निकल गया है। अब इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पे ये हमारी सब्जी जो है वो रेडी हो गई है। और अब इसमें एक तड़का लगाएंगे जिससे कि सब्जी का टेस्ट जो है वो और बढ़ जाएगा। तड़का पैन में यहाँ पे मैंने 1 चम्मच घी लिया है, बहुत ही थोड़ा सा घी आपको ऐड करना है, सिर्फ इससे फ्लेवर जो है वो एनहांस हो जाता है। और इसमें 1/4 चम्मच हींग ऐड कर देंगे, ज़्यादा चीज़ें हमें नहीं ऐड करनी है। हींग हमारा अच्छे से हो गया है। अब इसमें ये धनिया की पत्ती ऐड कर देंगे और इस तड़के को सब्जी में ऐड कर देंगे। और यहाँ पे ये हमारी शानदार सी सब्जी जो है वो रेडी हो गई है। अब इसको ढक्कन लगा के 1 मिनट के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद ये सर्व करने के लिए रेडी हो जाएगा। और अब छिलका बना के रेडी कर लेते हैं। और जब तक सब्जी बन रहा था तब तक हमारा बैटर भी अच्छे से सेट हो गया है। कंसिस्टेंसी देख लीजिए, ये हमारा बैटर जो है वो गाढ़ा लग रहा है। तो अब इसमें मैंने मिक्सी के पॉट को धो के रखा है, थोड़ा सा पानी वो इसमें ऐड कर देंगे। और ये देखिए बैटर की कंसिस्टेंसी जो है वो बिल्कुल परफेक्ट हो गई है। अब छिलके बना लेते हैं। छिलका को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे तवा को गर्म होने के लिए रख दिया है। यहाँ पे मैंने टिश्यू पेपर में थोड़ा सा ऑयल लिया है और इसे तवा को अच्छे से ग्रीस कर देना है। अब इस पर थोड़ा सा पानी छिड़क देंगे। ये बैटर जो है वो दोशे की तरह उतना चिपकता नहीं है, बहुत ही कम्फर्ट के साथ आप इस दोशे को बना सकते हैं। और तवे को बार बार ग्रीस करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको जितना बड़ा या छोटा बनाना है उस हिसाब से बैटर यहाँ पर ऐड करिए। अब इस पर थोड़ा सा ऑयल स्प्रेड कर देंगे। ये छिलका जो है वो क्रिस्पी और सॉफ्ट दोनों तरह से खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। आप इसको क्रिस्पी बना सकते हैं, आप इसको सॉफ्ट भी सर्व कर सकते हैं। तो भी इसको एक साइड अच्छे से होने देंगे। और ये देखिए छिलका जो है वो अपने आप
सारी तरफ से साइड्स को छोड़ दिया है, अब इसको पलट लेंगे और दूसरी साइड से भी इसको अच्छे से सेक लेना है। ये देखिए बस हमारा छिलका जो है वो रेडी हो गया। यहाँ पे मैंने एक छिलके को प्लेट में निकाल लिया है, अभी दूसरा भी बना के दिखा देती हूँ आपको, बहुत ही आसान है। और इस बार मैं तवे को ग्रीस नहीं कर रही हूँ, सिर्फ एक बार आपको ग्रीस करने की ज़रूरत पड़ती है और फिर दो तीन छिलके बनाने के बाद आप इसको फिर से ग्रीस कर लीजिए। देखिए ये बिल्कुल अच्छे से स्प्रेड हो रहा है, तो बनाना जो है वो काफ़ी आसान है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। और आप इसको लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट कभी भी एंजॉय कर सकते हैं, ये ऑल टाइम फेवरेट है, बहुत ही अच्छा लगता है। एक साइड से हो गया था, मैंने दूसरी साइड इसको टर्न कर दिया है। और जब आप इसको गरम गरम सर्व कर रहे हैं तो हल्का सा क्रिस्पी रहने दीजिए, बहुत ही शानदार लगता है। और ये हमारा दूसरा छिलका भी यहाँ पे रेडी हो गया, और सेम तवे पे तीसरे छिलके के लिए बैटर ऐड कर रही हूँ। इसको बनाना बिल्कुल प्रॉब्लमेटिक नहीं है, ये दोषी की तरह बिल्कुल परेशान नहीं करता आपको। और ये देखिए तीसरा छिलका भी रेडी हो गया। छिलकों को बनाना बहुत ही आसान है, ये डोसा से काफ़ी कंफर्टेबल रहता है। और ये देखिए हमारे तीनों छिलके जो हैं वो रेडी हो गए हैं। चलिए फिर प्लेटिंग कर लेते हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, हमारी डिलीशियस सी चने की सब्जी जो है वो बन के रेडी हो गई है, और साथ में छिलके भी यहाँ पे रेडी हो गए हैं। ये एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, आप एक बार जरूर ट्राई करिए, ट्राई करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि कितना शानदार ये लगता है। और आप इसको ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में कभी भी एंजॉय कर सकते हैं। इसके साथ कोई भी साइड डिश की ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर भी मैंने यहाँ पे थोड़े से सैलेड रख दिए हैं। इन रेसिपीज़ को एंजॉय करने के लिए आपको इसे बनाना पड़ेगा, और अगर बनाने के बाद आपको ये रेसिपी पसंद आई तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।